ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी टू व्हीलर अथवा फोर व्हीलर चलाते हैं तो आप सभी को सरकार का यह नया नियम जान लेना चाहिए। दरअसल सरकार ने एक नया नियम निकाला है जिसका 13 अक्टूबर तक फॉलो करना जरूरी है। यदि आप इस नियम का फॉलो नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना अथवा जेल हो सकती है। तो चलिए जान लेते हैं क्या है वह खास खबर। दरअसल दोस्तों, कार और टू व्हीलर चलाने वालों को 13 अक्टूबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी है। ऐसा नहीं करने वालों पर जुर्माना लगेगा और उन्हें जेल भी हो सकती है। स्टेट ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट अगले माह से बिना नए नंबर के प्लेट वाली गाड़ियों को पकड़ने की योजना बना रहा है। नई कार चलाने वाले लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी नई कारों पर रेगुलेशन लाइसेंस प्लेट्स के साथ में प्री फिटेड आती है। तो ऐसे में आप लोगों को, जिन लोगों के पास नई कारें हैं, बाइक है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास पुरानी बाइक है उन्हें अपना नंबर प्लेट चेंज करवा लेना चाहिए, जो नया नंबर प्लेट है उसे लगवा लेना चाहिए। आपको बता दें कि हाई सिक्योरिटी लाइसेंस प्लेट को एल्यूमिनियम से बनाया जाता है और इसे रिफ्लेक्टिव टेप में ढका जाता है। इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होलोग्राम लगाया जाता है। इससे लेजर से व्हीकल का 10 डिजिट परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है जिससे चोरी होने का खतरा कम हो जाता है। हालांकि दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बदलने की प्रक्रिया जो है 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, तो आप भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवा के अपना नया नंबर प्लेट चेंज करवा लीजिए। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे मनी भास्कर पर आज ही यह खबर छपी है। और आपको बता दें कि अभी मार्केट में 40 लाख व्हीकल ऐसे हैं जिनके ऊपर हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगी हुई है। आपको बता दें कि टू व्हीलर पर नई प्लेट लगवाने का खर्च 67 रुपये आता है और वहीं फोर व्हीलर पर 213 रुपये आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह खबर मिल गई। और इसी तरह की काम की अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।